हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आपका मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत। सो गाइस, आज से हम लोग का सोहराय स्टार्ट है। जो जो झारखंड से हैं उन लोग को पता होगा कि हम लोग सोहराय में क्या करते हैं। तो सोहराय पूजा के लिए अभी हम लोग आ गए हैं नहर के इस पार, जो कि लगता है सरे का पत्ता लगता है पूजा में। आज है हम लोग का गोरैया पूजा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहे, आपको मैं दिखाऊंगा। काफी डिसीजन लेने के बाद एक लड़का चढ़ रहा है पेड़। कहीं कोई चढ़ नहीं खोज रहा था यार, सबको बोल रहा था नहीं। तो ये बोला कि दोस्त हम चढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये सरे का पेड़ चढ़ रहा है हरे खुट्टा काटने के लिए और पत्ता तोड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह चढ़ रहा है और टिंगला को पीठ में रख के चढ़ रहा है पेड़। चलिए ब्लॉग में बने रहे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, स्पेशल सोहराय पूजा का ब्लॉग है। तो चलिए देखिए किस तरह चढ़ रहा है, उसके बाद मिलते पता तोड़ के। तब तक ब्लॉग में बने रहे। देखिए गाइस, ये हम लोग का दूसरा बंदर है। एक बंदर तो चढ़ गया ऊपर और दूसरा बंदा। सो गाइस देखिए, दो को बंदर हाई कर दो। अरुण गोला हाई कर दो। देखिए कितना बड़ा पेड़ चढ़ गया दोस्त। ये देखिए, ये हम लोग का तीसरा बंदा है। किशोर हाई कर दो। किशोर कुछ दिख भी नहीं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये दोनों पत्ता तोड़ रहा है। हाई कर दो रोशन गोलू। और देखिए एक बलकमान को हाई। गाइस अभी पता होता तोड़ नहीं, ये दोतुन है और ये कुट्टा है और इधर बंदे लोग तोड़ रहे हैं। पूरा झोला फुल करके ले जा रहे हैं और ये अरुण अभी काट रहा है। और इन लोग लड़ रहा है कुट्टा के लिए, लड़ रहे गाइस। देखिए गाइस, चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट। तो गाइस अभी तोड़ लिए दो तुम, अब जा रहे घर। देख लीजिए ये बंदे को। देखिए झोला भर गया है भाई, बहुत ही भारी लग रहा है। भोमरा हम पार कर पाएंगे नहीं। भोमरा का नजारा देखिएगा आप। तो चलिए मिलते हैं भोमरा में। तो गाइस अभी एक बहुत बड़ा दिक्कत हो गई। देखिए हाथ में पूरा फूल हो, कैसे जाएं? वो बहुत ही ज्यादा लफड़ा होगी। देखते हैं, कोशिश करते जाएं। देखिए वो तो चला गया गाइस, अब मेरी बात। सो गाइस अब जा रहे पार होकर। देखिए कुछ दिख भी नहीं कर रहा यार। सब चला गया गाइस, हमको छोड़ दिया गाइस भुरवा में। और पूरा पानी है, चप 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 चप। ये देखिए, रुको रे। फाइनली मैं पार हो गया हूँ। तो ऐसे रूम लगता है जो हम लोग गुहार में गाड़ते हैं, उसके काफी छोटे छिलाए छिलते हैं। अब पूजा तैयार हो गया। देखिए ये पुआ चढ़ गया है वहाँ पे गुहार में। ये जो पुआ बनता है, ये बनता है ईंट का चूल्हा में। ये काहे की ये गुहार में चढ़ता है हम लोग का पूजा में, इसलिए वो ईट का चूल्हा बनाया जाता है, जो लकड़ी का चूल्हा बनाया जाता है। दादी छान रही है पुआ और ये पुआ छनाता है डालडा घी से। पुआ छनाने के बाद इसको सूप में सजा के ले जाएंगे गुहार, वहाँ पे पूजा होता है।
अभी पूजा होके आ गया।